बीसी सखी सभी खुश हो जाओ। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, एक स्माइल आपके चेहरे पे अभी से आ जाए। योगी जी से मिली बीसी सखी और क्या कुछ कहा योगी जी ने, देखिए आज के वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी KSF में। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीसी सखी से मिलकर योगी जी ने जो भी बातें कही हैं वो क्या कुछ कही हैं, क्योंकि बीसी सखी अपनी मांगों को लेकर लगातार योगी जी से मिलकर ज्ञापन दे रही थी। अपने मांग पत्र उन्हें कई बार दे चुकी जनता दरबार में जा करके, और इस बार भी बीसी सखी जो हैं वो जा करके स्वयं योगी जी से मिली हैं। और इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाकर आप लोगों को दी थी और जानकारी नहीं दी थी, क्योंकि मैंने सोचा बीसी सखी जा रही हैं ज्ञापन देने, और कई बार ज्ञापन दे चुकी हैं वो। मैं ऑलरेडी आपको वीडियो के माध्यम से बता भी चुकी थी कि बीसी सखी ने ज्ञापन दिया है, 10 सूत्री मांगे अपनी रखी हैं। तो इस वजह से मैंने ये वाली जानकारी आप लोगों को नहीं दी थी, जो अब बीसी सखी अभी जस्ट गई थी। तो 25 तारीख को जाने की बात कही गई थी, 25 में या 26 में गई हैं। तो यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा था कि काफ़ी बीसी सखी लखनऊ जाएंगी योगी जी से मिलने के लिए, जिसके लिए जो बीसी सखी का ग्रुप बनाया गया है, यूपी बीसी सखी संघ कुटुंब ऐप पर आप सभी लोग जुड़ी हैं वहाँ पर, तो उदय सर के नेतृत्व में जो है वहाँ पर बीसी सखी को ले जाया गया था। और जो बीसी सखी संघ की जो जिला अध्यक्ष बनी हुई है ये बीसी सखी, वो लोग महिलाओं से जो है वो 100 रुपये कलेक्ट करके और फिर उन्होंने अपना ग्रुप बना करके वहाँ पर गई थी। तो कल परसों से ये जानकारी जो है भी नई मिली हुई है कि वहाँ पर जो भी योगी जी से बातचीत हुई है उसमें क्या कुछ योगी जी ने कहा है, चलिए आज की वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हम तक पहुंचती है हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाकर दें और आपको जानकारी जल्द से जल्द पहले से पहले पहुंचा सकें। और ये जानकारी भी हमको उन्हीं बीसी सखी से मिली है जो उस ग्रुप में गई थी लखनऊ योगी जी से मिलने के लिए। चलिए देखते हैं क्या कुछ उन्होंने बताया है, उन्होंने पोस्ट भी किया था और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्या कुछ योगी जी से जो है बातचीत हुई है और क्या योगी जी ने कहा है। आइए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा ग्रुप जो है वो बीसी सखी का योगी जी से मिलने गए हुए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीसी सखी बहनों ने मांग पत्र योगी जी को दिया है। बीसी सखी बहनों के द्वारा जो है प्रार्थना पत्र ये जो दिया गया है, यहाँ पे 10 सूत्रीय मांगे जो हैं वो रखी गई हैं। इसमें कुछ प्रमुख मांगे भी हैं, जैसे कि बीसी सखी बहनों को परमानेंट किया जाए, बीसी सखी बहनों का मानदेय निश्चित और परमानेंट किया जाए, बीसी सखी बहनों को लैपटॉप दिया जाए, और बीसी सखी बहनों का जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंकों से जोड़ा जाए जिससे कि उनका काम अच्छे से चल सके, और भी कई सारी मांगे हैं जो यहाँ पर इस प्रार्थना पत्र में लिखी गई हैं। तो सबसे ज़्यादा बीसी सखी बहनें इसी बात से आहत हैं कि उनका कोई मानदेय नहीं है। 6 महीने जो मानदेय मिला 4000, वो भी अब 6 महीने के बाद बंद हो चुका है, जिसको लेकर बीसी सखी अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि सभी बीसी सखी का इनकम उतना अच्छा नहीं हो रहा है, कहें तो लगभग इनकम नहीं के बराबर हो रहा है, और ऐसे में परिवार चलाना या फिर उस नौकरी को करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के योगी जी से मिली हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा जिससे आपको सही जानकारी और पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी बहनों के लिए एक ताज़ा खुशखबरी, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। आज जनपद सीतापुर से विशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल लखनऊ CM आवास गया था। महिला उत्थान समिति बीसी सखी के तरफ से समिति बनी हुई है, जिसमें महिलाओं की एक समिति बनी बीसी सखी के आवाज़ उठाने के लिए, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए, और उदय सर जो हैं उनके नेतृत्व में सब कार्य हो रहा है। तो एक प्रतिनिधि मंडल लखनऊ से आवास गया था, जिसकी मॉनिटरिंग मैं 3 दिन पहले से कर रहा था, मतलब ये उदय सर कह रहे हैं। और तैयारी के बाद लखनऊ CM आवास जाया गया, जहां आदरणीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी तथा मुख्य सचिव जी को बीसी सखियों की समस्याओं से अवगत कराया गया।
तथा उन्हें ज्ञापन पत्र सौंपकर अपनी अपनी समस्याओं को बताया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि बहुत ही जल्द आप लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और सरकार आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाली है। जी हाँ, अतः आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें और कार्य करते रहें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जनपद सीतापुर की अपनी बहनों का, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने में अहम भूमिका निभाई। ग्रुप का नेतृत्व करने वाली महिला कार्यकर्ता पूनम यादव व स्वीटी वर्मा, गीता देवी तथा जिला अध्यक्ष आरती यादव मौजूद रहीं और इन सभी बहनों का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने आज सुबह 7 बजे लखनऊ पहुँचकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा। सभी से निवेदन है, कृपया संगठन के साथ हों, संगठन ही है जो आप लोगों की समस्या का समाधान कर सकता है। बहुत ही जल्द कोई ना कोई अच्छी खबर बी सी सखी बहनों के लिए आ सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए बोला है। जी हाँ, समाधान करने के लिए बोला है मुख्यमंत्री जी ने। और एक बार पुनः सीतापुर की सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तथा एक ऐलान भी करता हूँ कि जब सीतापुर में संगठन की मीटिंग होगी तब आप सभी महिलाओं को मंच से सम्मानित भी किया जाएगा। उदय मिश्रा, संस्थापक बीसी सखी संघ। तो आप सभी बीसी सखी बहनों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो यही है कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बीसी सखियों से मिलकर कहा है कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और आप लोगों के लिए सरकार बहुत कुछ करने वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो बहुत कुछ सरकार सोच रही है, इसीलिए योगी जी अपने हर भाषण में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट की नियुक्ति को लेकर के बात करते हैं, कहते हैं। तो आशा है कि योगी जी ने जो अपना वादा किया है कि बीसी सखी बहनों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, तो जल्द से जल्द कोई नई न्यूज़ आएगी आप सभी के लिए, जो खुशखबरी होगी आप सभी के लिए। और उम्मीद और आशा तो यही जताई जा रही है कि बीसी सखी के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो फ्यूचर आपका अच्छा होने वाला है, आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी। इसी तरह से लगे रहिए, अपनी बात कहते रहिए और जो योगी जी ने आप लोगों से मिलकर आश्वासन दिया है, कही है बात कि आपकी समस्या का समाधान होगा, तो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान तो होगा ही। तो सभी बीसी सखी बहनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठा रही हैं, अपने हक के लिए कह रही हैं और साथ ही आप सबके जज्बे के लिए बहुत बहुत मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ कि इस तरह से आगे बढ़िए। और सभी बीसी सखी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी वहाँ पर सी एम जी से मिलने गई थी। तो मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नई अपडेट मिलेगी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो पूरा एंड तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।